दुनिया को राजी करते करते थक गए। देखिए, अगर आप अपने खून का आखिरी कतरा भी लोगों को राजी करने के लिए दे देंगे ना, तो तब भी ये लोग आपसे राजी नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया हर चढ़ते सूरज की पुजारी है। दुनिया वालों से कभी भी इज्जत और मर्तबे की तवक्को ना रखे। वह तो इज्जु मन तशाओ वह तो जिल्लु मन तशाओ, इज्जत और जिल्लत सिर्फ मेरे रब के हाथ में। मुश्किल वक्त में ही तो हम अल्लाह ताला को पुकारते हैं, और हमें यकीन भी होता है कि अल्लाह के सिवा हमें कोई भी नहीं निकाल सकता। लेकिन जैसे ही मुश्किल दूर होती है तो हम दोबारा से इंसानों की गुलामी करना शुरू हो जाते हैं और देने वाली जात को भूल जाते हैं। ये कैसा ताल्लुक है हमारा अल्लाह के साथ। लेकिन खूबसूरत बात पता है क्या है, मेरा रब फिर भी हम जैसे बंदों को देता है, हमारे दर्द सुनता है और हमसे मोहब्बत करता है। तो क्या हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि हम भी उससे मोहब्बत करें और हमेशा उसे याद रखें। जब अल्लाह ताला किसी को हदायत देना चाहते हैं तो उसे चुन लेते हैं और फिर उसे हदायत अदा फरमा देते हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा दुआ करें। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें, हमें ज्यादा दुआएं वो मिलती हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाइडेंस मांगी। या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पर जमा दे। सर्दों में ये दुआ मांगे, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ताला हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। इतना गफूर रहीम रब, बस शर्त ये है कि सच्ची तौबा। बिल्कुल, ईद तो अजर है, इनाम है, ईद तो खुशी का दिन है, सो उसे उदासी से नहीं बल्कि खुश होकर मनाएं। तमाम सुन्नतों के साथ गेट टुगेदर करें। जो नाराज रिश्तेदार हैं ईद पे, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप उनके घर जाएं। डजंट मैटर कि वो क्यों नाराज हैं, बस आप जाएं और जो भी गिले शिकवे हैं उनको दूर करें, इख्तलाफात खत्म करें और मोहब्बत फैलाएं, क्योंकि इस्लाम हमें मोहब्बत और भाईचारे का सबक देता है। इस्लाम तो एक ऐसा मजहब है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है, इख्तलाफात पैदा नहीं करते हैं। कुछ भी है, अल्लाह को अपना दोस्त बनाएं, अल्लाह के साथ शेयर करें, बजाय कि आप आरजी सहारों के ऊपर डिपेंड हो जाएं, अल्लाह को अपना दोस्त बनाएं, अल्लाह को अपने गम सुनाएं। लतहसन इनल्लाह माना, गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। कौन आपके साथ है, जरा तसव्वुर तो करें। अल्लाह अकबर, द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, जब वो आपके साथ है तो फिर आपको दूसरों के सहारे की क्यों जरूरत पेश हो रही। कि ना हम उसको डी वैल्यू कर रहे हैं, हम भीख मांग रहे हैं, हम कदमों में गिर रहे हैं कि हमें अपना लो। जब कुनफा या कौन का मालिक आपके साथ है तो आपको क्या जरूरत है किसी और की। बिल्कुल, अल्लाह से दोस्ती करें ना। अला इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको ना तो कोई खौफ होगा और ना ही कोई गम होगा। दीन आसानियों से मिल गया है, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं है। हम पैदा हुए, वालिद साहब ने आके कान में अजान दे दी और हमारे साथ मुसलमान का लेबल लग गया, इसलिए हमें कदर नहीं है। जरा जाकर उनसे पूछे ना, दीन के लिए मारे खाए, ताने तशने बर्दाश्त, घर बार छोड़ा, वालदैन तक को छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया, और अभी भी हमारे माशरे में ऐसी हजारों मिसालें हैं जिन्होंने दीन की खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? अल्लाह से ताल्लुक के लिए। और हम जो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, हमें उसकी पहचान ही नहीं है, हमें कदर ही नहीं है कि हम किससे दोस्ती करने जा रहे हैं, किससे ताल्लुक। अब भी रमजान में क्योंकि शैतान को जकड़ दिया जाता है, तो फिर हम खुद सोचे ना कि हम शैतान को बहाना बना देते हैं ना कि ये शैतान की वजह से हो रहा है, शैतान कर रहा है, शैतान कर रहा है, तो फिर अब रमजान में कौन करेगा। ये आपका नफ्स है, ये आपका नफ्स है, वल्लाह ये नफ्स है जो आपको मजबूर कर देता है। सो आपने इसके आगे हार नहीं माननी, खुद से आपकी जंग है। ये सबसे बड़ा जहाद जो है वो जहाद बिल नफ्स है, कि आप अपने से खुद जंग करें और देखें कि इंशाल्लाह आपको इसका कितना अजर मिले। हुजूर ने फरमाया, औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, ये टेढ़ी है, तो सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। तो हुजूर फिर हमारे लिए हुक्म क्या है, फरमाया जैसी है तुम इसी के साथ निभा करो। आप समझें कि इतना महफूज हुजूर ने दर्जा दे दिया। फरमाया गलती भी हो तो मेरे गुलामों तुम इसके साथ निभा करो गुजारा। सब्र एक ऐसी ताकत है जो कभी गिरने नहीं देती, और जो सब्र कर ले अल्लाह उसे बहुत पसंद करता है। अल्लाह फरमाता है, और अगर बदला लो भी तो बिल्कुल इतना ही जितना सदमा तुम्हें पहुँचाया गया हो, और अगर सब्र कर लो तो बेशक साबिरों के लिए यही बेहतर है। सो ऑलवेज रिमेम्बर,
अल्लाह उन्हीं के साथ होता है जो सब्र करते हैं और शुक्र करते हैं।